तो आपकी जो है वो शादी हुई हुई है? शादीशुदा नहीं है वो। कि आपको अगर कोई लड़का प्रपोज करे तो आप शादी कर लेंगे? ये जो फेस्टिवल है ये विंटर फेस्टिवल है, साल में एक दफा मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है इनके जो मजहबी रसूमात हैं इनके ऊपर। इस फेस्टिवल में ये लोग अपने जितने भी मजहबी रसूमात हैं वो मनाते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अलाउ नहीं होता। लेकिन आज इस फेस्टिवल का लास्ट डे है, जितने भी इनके रिचुअल्स हैं वो कम्प्लीट हो गए हैं, तो आज ये लोग सेलिब्रेट करके इस फेस्टिवल को खत्म करेंगे। ये फेस्टिवल आज शाम 5 बजे तक यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। सबसे लॉन्ग फेस्टिवल था 15 डेज से, ये 7 दिसंबर से ये स्टार्ट था, तो आज इसका फाइनल डे है। यहाँ की मुकामी जो है वो मेरे साथ मौजूद है, तो क्या नाम है आपका? इधर आ जाए। करीना आजम, करीना आजम इनका नाम है। कितने साल की हैं आप? अच्छा, उर्दू आती है? अच्छा ठीक है। तो अभी आपके इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है, कितने टोटल आपके फेस्टिवल है? हमारे 4 फेस्टिवल्स होते हैं। जो एक फेस्टिवल होता है आजम फेस्टिवल, जो था वो सिर्फ आदि में मनाया जाता है, पर आजम जिससे दो फेस्टिवल नहीं मनाते, उसमें सिर्फ 3 फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये जो है ये विंटर फेस्टिवल जो हमारे जितने कहते हैं चौंगस, वो जो फेस्टिवल है ये उसी के बाद है। अच्छा, ये इनका लास्ट फेस्टिवल है और दुनिया भर से लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय करने आते हैं बहुत दूर से, तो ये सब लोग यहाँ पे एंजॉय करें। और ये जो आपने इतना खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है, इसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है क्या, कितना फिर भी कितना टाइम लगता है? मतलब एक तो कपड़े के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आपने भी देख लो तो तकरीबन 10 डेज भी लगाते हैं, 1 मंथ भी लगा लेते हैं सिर्फ एक ड्रेस बनाने में। बाकी टोपी ये सर में जो टोपी इनको बनाने में 1-2 महीने। ठीक है, और अगर कोई इस तरह का आपके आपका ये इस तरह का ड्रेस खरीदना चाहे तो कितने का आप सेल करते हो बना के? ये भी डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है। वैसे आपको मार्केट का नहीं पता मार्केट में कितने का सेल? मैंने कभी खरीदा नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो है वो शादी हुई हुई है? शादीशुदा नहीं है वो। ये तो शादीशुदा नहीं है, लेकिन आजकल के मर्द जो है वो मैरिड होके भी कहते हैं कि हम शादीशुदा नहीं है। तो बहरहाल मुझे ये बताएं कि आपको अगर कोई लड़का प्रपोज करे तो आप शादी कर लेंगे? ये ऐसी बात नहीं, एक तो ऐसी बात फिला दी। मैंने सुना है कि जो टूर मतलब जो लोग आते हैं इधर उधर से, लड़के आते हैं और यहाँ से आप लोगों से शादी करके आपको ले जाते हैं, तो ये बात सच है? ये जो ये बाकी ऐसी जिस तरह आपकी वहाँ पर लव मैरिज होती है हमारे यहाँ पर लव मैरिज होती है, और ये सिर्फ कम्युनिटी के अंदर होती है। अगर कोई प्रपोज करे तो या तो लड़की मानती है या नहीं मानती, और वो करने के बाद फिर कुछ साल या महीने बाद भी लेते हैं एक दूसरे के साथ उनको पहचान, और जो हमारे यहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं पहचानने की जरूरत नहीं होती, और फिर भी वो लव मैरिज होती है। उसी को जुड़ने किसी के भी साथ बाहर की शादी नहीं करते, ये तो सीखा। ठीक है, तो इनका कहना है कि इस बात में इतनी सच्चाई नहीं है जो कि मीडिया पे फैलाया गया है कि लोग आते हैं टूरिस्ट और आके इनसे शादी करके इनको ले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो करने के बाद कुछ साल या महीने बाद भी लेते हैं एक दूसरे के साथ उनको पहचान, और जो हमारे यहाँ पे एक दूसरे को जानते हैं पहचानने की जरूरत नहीं होती, और फिर भी वो लव मैरिज होती है। उसी तजुर्ब में किसी के भी साथ बाहर की शादी नहीं करते, ये तो सीखा। ठीक है, तो इनका कहना है कि इस बात में इतनी सच्चाई नहीं है जो कि मीडिया पे फैलाया गया है कि लोग आते हैं टूरिस्ट और आके इनसे शादी करके इनको ले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप मुझे ये बताओ कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो आप लोग को तंग तो नहीं करते? अब ये तो कभी कभार ऐसा होता है, हर रोज ऐसा नहीं होता है। तो आप जो आने वाले टूरिस्ट हैं जो लोग आते हैं इतनी दूर से आप लोगों को देखने, आपके कल्चर को देखने, इंजॉय करने आते हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? फेस्टिवल वगैरह देख लो, बस एक गलत चीज ना फैलाई है और इसमें गलत बातें ना कहें कलाश कल्चर के बारे में, आगे देख सकते हैं। बाकी एक और चीज वेरी इम्पोर्टेंट कि वो लोग आते हैं पर फिर कलाश लोगों के बीच में वो मतलब विदाउट परमिशन या पिक्चर वगैरह देते हैं या उसके बीच में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो दूर से देखो। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना उनका कहना है कि लोग आते हैं लेकिन आप लोग जबरदस्ती मत करें, इनको तंग ना करें, इनको इनकी जिंदगी
जैसे वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं उनको इजीली गुजारने दिया जाए। ये तो हर जगह है कि आप लोग किसी को नहीं तंग करना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर कर दी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा राज है और मैं आज यहाँ कलाशी फेस्टिवल पे आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी लाजमी आएँ और इस फेस्टिवल को इंजॉय करें। यहाँ पर दुनिया भर से जो है वो लोग आए हुए हैं और बहुत ही मज़े का फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे। थैंक यू।